शुक्रिया असीम। हर जगत यानी खबरें विकास की, खबरें फायदे की। आइए शुरुआत करते हैं टॉप लाइन्स। भारतीय बैंकों में सबसे बड़े बैंक विलय का रास्ता साफ। एसबीआई बोर्ड ने सहयोगी बैंकों और महिला बैंक के साथ विलय को दी मंजूरी। दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों में हो सकता है शामिल। आंध्र प्रदेश में वायदे से कम गैस पैदा करने के लिए ऑयल मिनिस्ट्री ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाया 2500 करोड़ की पेनाल्टी। 2010 से कंपनी पर कुल मिलाकर अब तक 2.767 अरब डॉलर की पेनाल्टी लग चुकी है। भारतीय उद्योग जगत ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर जताया भरोसा। अगले 3 सालों में 94% कंपनियों का भारत की विकास यात्रा में दिखा विश्वास। केपीएमजी के सीईओ के सर्वे के हवाले से आई खबर। और देश भर में औषधि वाले पौधों की पैदावार के लिए कल से जयपुर में नेशनल मिशन की शुरुआत। देश के 500 से ज्यादा किसान और एक्सपर्ट्स लेंगे हिस्सा आयुष मंत्रालय की पहल। और अब गांव में दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। भारतीय पोस्ट बैंक का औपचारिक गठन हो गया है, यानी आपके पास का जो पोस्ट ऑफिस है वो अब आने वाले दिनों में बैंक की तरह काम करेगा। अगले साल से ये शुरू हो जाएगा काम करना और सितंबर तक पूरे देश में 650 शाखाएं काम करने लगेंगी। शुरुआत में ये पेमेंट बैंक के रूप में काम करेगा। भुगतान बैंक, यानी आप पैसा कहीं से भी कभी भी भेज सकते हैं। और सभी डाकियों को जोड़ा जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का काम करेंगे। इस बैंक की शुरुआती पूंजी करीब 800 करोड़ रुपये होगी, जिसमें 400 करोड़ रुपये इक्विटी होगी। इस बैंक का लक्ष्य सुदूर इलाकों में भी बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है, जो अभी तक इससे अछूते रहे। और अब बाजारों की बात हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं अमेरिकी बाजारों से। कल कैसे बंद हुए अमेरिकी बाजार आपको दिखा। फायदे के साथ डाउ जोन्स 24 अंक ऊपर, S&P 500 केवल 5, नेस्डेक 11 अंकों की बढ़त के साथ कल बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों का रुख कर लेते हैं। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो मिला जुला रुख दिखा। FTSE यानी लंदन के बाजार में 10 अंकों की बढ़त, CAC यानी फ्रांस के बाजार में 19 अंकों की बढ़त और डैक्स ये जर्मनी का बाजार 65 अंकों की बढ़त के साथ कल बंद हुआ। एशियाई बाजार इस वक्त कारोबार कर रहे हैं और इस वक्त देखें तो जापान के बाजार में लगातार कुछ दिनों से तेजी का माहौल जारी है। आज भी 80 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। ऑस्मी में बहुत मामूली गिरावट, ताइवान में थोड़ी सी बढ़त और SGX निफ्टी, जो पूरा का पूरा हमारा निफ्टी है, सिंगापुर एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव यानी खरीदारी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई देता है। और अब देख लेते हैं कि कल कैसे भारतीय बाजार बंद हुए। और सेंसेक्स 118 अंक ऊपर और निफ्टी 49 अंक ऊपर 8673 के स्तर पर बंद हुआ। तो फिलहाल अर्थ जगत में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं जया और असीम के पास।